हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए फ्रेंड, आज बनाते हैं सबसे आसान और सबसे सस्ते में मिनी केक, जिसे देखकर बच्चे भी बना लेंगे। इसके लिए हम लेंगे 3 ओरियो बिस्किट। इसे हम फाड़ लेंगे। फाड़ने के बाद इसके हम सारे बिस्किट निकाल के एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इतना आसान तरीका है कि बच्चे भी बनाकर अपनी मदर्स डे पर सेलिब्रेट कर सकते हैं। सारे पैकेट हमने फाड़कर बिस्किट को निकाल लिया है। अब इन बिस्किट की हम क्रीम को अलग कर लेंगे। अगर आप चाहें तो क्रीम को अलग नहीं करें, लेकिन मुझे क्रीम से डेकोरेशन करनी है केक की। क्रीम को चाकू से हम हटा देंगे बिस्किट से। आप यकीन नहीं मानेंगे, इतना आसान तरीके से ये केक बनके तैयार होगा और बच्चे भी बना लेंगे। बड़े तो बड़े, बच्चे भी बना लेंगे इसको। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए प्लीज़। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अब सारे बिस्कुट को तोड़कर हम ग्राइंडर जार में डाल लेंगे और इसका हम फाइन पाउडर बना के तैयार करेंगे। अगर आपके पास ग्राइंडर जार ना हो तो आप इसे किसी पोलोथीन में भरकर बेलन से भी इसका पाउडर बना सकते हैं। लीजिए, हमारा बिस्किट का पाउडर बनके तैयार हो चुका है। देखिए, एकदम फाइन पाउडर बनके तैयार हो चुका है। इसे हम वापस से बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। एक बार आप अपनी मदर्स के लिए ये केक ज़रूर बनाइएगा। और इसमें हम थोड़ा थोड़ा मिल्क डालते जाएंगे। मिल्क रूम टेम्परेचर का है, गर्म या ठंडा नहीं होना चाहिए। ये रूम टेम्परेचर का मिल्क है और थोड़ा थोड़ा करके ही हम इसमें मिल्क डालेंगे, ताकि इसका पेस्ट पतला ना बने। अब इसमें हम डालेंगे एक इनू। यहाँ पे मैंने एक इनू ले लिया है। इनू को डालकर इसमें थोड़ा सा हम मिल्क डालेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे ओरियो बिस्किट के साथ। इसको अच्छे से हमें हैंड विस्कर से चलाते हुए मिक्स करना है। देखिए, अभी थोड़ा गाढ़ा है, इसमें हल्का हल्का दूध और डालेंगे और इसका हम फाइन पेस्ट बना के तैयार करेंगे। लीजिए, एकदम परफेक्ट वाला हमारा पेस्ट बन के तैयार हो चुका है। चलिए, अब तब तक हम करते हैं इसे कुक करने की तैयारी। इधर हमने एक बड़ा भगोना ले रखा है, इसमें डालेंगे हम नमक। ये नमक मेरी रीयूज़ करी हुई है, केक बनाने के काम ही आती है, इसलिए इसको मैं डिब्बे में भर के रख देती हूँ और वापस से हम इसको भगोने में डाल देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे एक स्टैंड, जिससे केक वाली कटोरियाँ आसानी से रुकी रहें। इसे गर्म होने के लिए हम रख देते हैं लो फ्लेम पर। इधर हमने दो कटोरियाँ ली हैं, इसमें थोड़ा थोड़ा घी डालेंगे और इसको चारों तरफ से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, ताकि केक हमारा चिपके नहीं। दोनों कटोरियों को मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पेस्ट ट्रांसफ़र करेंगे। देखिए, कितना स्मूदी पेस्ट हमारा बना है। दोनों कटोरियों में हमने पेस्ट भर के रख लिया है। अब देखते हैं, इधर हमारा बर्तन भी गर्म हो चुका है, आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं। इसमें से देखिए कितनी हीट निकल रही है। अब इन कटोरियों को हम स्टैंड के ऊपर रख देंगे और इसका ढक्कन लगाकर हम 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पर छोड़ देंगे। बाद में हम चेक करेंगे 15-20 मिनट के बाद। एक स्पून लेंगे कांटे वाले, इससे चेक करेंगे। देखिए, बिल्कुल भी केक चिपक नहीं रहा है और अच्छे से फ्लफी केक बनके तैयार हो चुका है। इसको हम निकाल लेते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं, बिल्कुल लग रहा है ना, बिल्कुल मार्केट जैसा। अभी कटोरियाँ गर्म है, इसको हम थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब केक ठंडा हो चुका है। चलिए, इसको अब निकाल लेते हैं। हल्का सा हम चाकू से साइडों से छुटा लेंगे, ताकि केक निकलने में आसानी हो। दोनों कटोरियों को हम साइडों से इसी तरह से छुटा लेंगे। अब कटोरियों को उल्टा करेंगे और हल्का सा ऊपर से डैप डैप करेंगे, केक बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। देखिए, आप देख सकते हैं कितना स्पंजी और फ्लफी केक हमारा बन के तैयार हो चुका है, वो भी कम खर्चे में और बहुत ही कम टाइम में। आप यकीन नहीं मानेंगे, बिल्कुल मार्केट जैसा केक बनके तैयार होगा और बहुत ही आसान तरीके से इसे बड़े तो बड़े, बच्चे भी बना लेंगे। देखिए, लग रहा है ना, बिल्कुल डोनेट के जैसे मिनी केक। लीजिए, हमारा परफेक्ट वाला
मिनी केक बनके तैयार हो चुका है। आप इसे अपनी मदर्स डे पर, बर्थडे पर सेलिब्रेट कर सकते हैं काट कर, और बहुत ही आसान तरीके से झटपट बनने वाला केक है ये, और आपके बच्चे भी इसे देखकर बना सकते हैं। और वीडियो को पूरा ही देखिए तभी आपको समझ आएगा, स्किप करके ना देखें वरना आपको समझ नहीं आएगा कि केक कैसे बना, और कोई भी मिस्टेक होने से केक ख़राब हो सकता है। एक बार आपको फिर से याद दिला दूं, प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब हमने जो क्रीम बचा के रखी थी बिस्किट से निकाल कर, अब हमारे पास कॉर्न तो है नहीं तो इसलिए हम ओरियो बिस्किट का ही पैकेट लेंगे और कॉर्नर को इसके हम कट लगा देंगे, छोटा सा कट लगाएंगे क्योंकि मिनी केक है तो मिनी डेकोरेशन ही करेंगे हम। और इस केक में क्रीम में थोड़ी सी हम दूध मिलाएंगे और मिलाने के बाद इसको अच्छे से स्मूदी बना लेंगे ताकि क्रीम अच्छे से केक पर डेकोरेशन हो सके। अब हम ओरियो बिस्किट में हम जिस कॉर्नर में हमने काटा था उसमें एक चम्मच क्रीम डालेंगे और इसको अच्छे से हाथ से पकड़ कर चारों तरफ से रैपर को पकड़ लेंगे। अब केक लेंगे और इस पर हम मनचाहा डेकोरेशन बना सकते हैं। देखिए आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही सिंपल डेकोरेशन की है, इतना सिंपल केक बनाया है ताकि बच्चे भी अपनी मदर्स डे पर बनाकर इसको सेलिब्रेट कर सकें, जिससे बच्चों को कोई दिक्कत ना हो और बहुत ही आसान तरीके से अपनी मम्मा को खुश कर सकें और ये केक बनाकर खिला सकते हैं। और मुझे कमेंट करके बताइए कौन कौन अपनी मदर्स डे पर केक बना रहा है, और नहीं बनाया है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर बना के ट्राई कीजिए, ये बहुत ही आसान तरीके से बन सकता है और खाने में भी बहुत टेस्टी और लाजवाब टेस्ट आया है, बिल्कुल मार्केट स्टाइल, कम खर्च में कम टाइम में मिनी केक बनके तैयार है। लीजिए, सर्व कीजिए और अपनी मदर्स डे पर कट कीजिए। प्लीज़ प्लीज़ अगर आपको थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।